यात्रा में जाना है तो सामान कम रखिए, यात्रा में जाना है तो सामान कम रखिए, बड़ों के सामने अपना अनुमान कम रखिए। इस छोटी सी जिंदगी में पाना या खोना क्या है, अच्छा जिंदगी जीना है तो अरमान कम रखिए। अगर सिद्धि को टिकाऊ रखना चाहते हो, अपनी कला को टिकाऊ रखना चाहते हो, तो एक काम करो, अपनी सिद्धि को सदुपयोग में राष्ट्र के काज में लगा देना चाहिए। अपनी कला को, कृपा को, सिद्धि को, बल को, पद को अगर तुम राष्ट्र काज में लगा दोगे तो वह सिद्धि, वो कला और वो पद और वो बल हमेशा टिका रहेगा और तुम्हारे नाम की, हनुमान जी के नाम की जय जयकार होती रहेगी। यात्रा में जाना है तो सामान कम रखिए, यात्रा में जाना है तो सामान कम रखिए, बड़ों के सामने अपना अनुमान कम रखिए। इस छोटी सी जिंदगी में पाना या खोना क्या है, अच्छा जिंदगी जीना है तो अरमान कम रखिए। हनुमंत चरित्र की ये जो सिद्धियां हैं, हमें लगता है भारत के संतों को अब हनुमान जी की पूजा विशेष करनी चाहिए ताकि हनुमान जी उनको सिद्धियां दें और सिद्धियों के बल पर से ही लोगों का कल्याण होगा, लोग का कल्याण होगा तो राष्ट्र का कल्याण होगा। जिंदगी में बहुत लंबा उड़ना है तो वजन हल्का रखना चाहिए, भजन ज्यादा रखना चाहिए, इसीलिए हनुमान जी चौथी सिद्धि का प्रयोग उड़ने में करते हैं। जब उड़ते हैं तो लघमा का प्रयोग करते हैं, हल्के हो जाते हैं और वही उड़ पाएगा जो हल्का हो जाएगा। मानो तुम भी अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां तभी पा पाओगे जब तुम अपने अहमता से हल्के हो जाओगे, तब ऊंचाइयां तुम्हारे कदम चूमेंगी। बजरंगबली हनुमान जी की कथा बहुत जरूरी है, हनुमंत चरित्र से ही हम लोग अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र अपने दिल में चाहिए। कागजों पर क्या चाहिए, घोषणा तो कल हो जाएगी, क्या बदल जाएगा हलुआ, जब तक दिल नहीं बदलेगा। हम प्रत्येक हिंदू ये गर्व से कहने लगे, हम हिंदू हैं और जातिवाद का मामला मिट जावे और फिर हनुमंत कथा में सब मिलकर ऐसे ही आकर के बैठे। और मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें तो राम से भरा हुआ यह हिंदुस्तान चाहिए।